नमस्कार प्रणाम सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं सहारा भुगतान से पीड़ित जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इंफॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत अलग अलग सोसाइटियों में फंसा हुआ है, चाहे क्यूसाब में हो या MIS में हो या सहारायन में हो या किसी भी सोसाइटी में हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, हम लोगों का भुगतान अब 100% मिलने को तय हो गया है। किस प्रकार हम लोगों का भुगतान मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ये बात हर एक जमाकर्ता, निवेशकर्ता और कार्यकर्ता और नेतागण सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अब हम लोगों का भुगतान सहारा ब्रांचेस के माध्यम से, सहारा ऑफिस खुलेंगे और उन्हीं के माध्यम से भुगतान हम लोगों का 100% होगा। तो आइए जानते हैं कब से हम लोगों का भुगतान होगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले YouTube चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों वीडियो एक क्लिप के द्वारा आप सभी को हम दिखाएंगे। 3-4 मिनट की वीडियो क्लिप है जिसमें अभय देव शुक्ल जी बोल रहे हैं, देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख से हम सभी लोगों ने देश में संकल्प यात्रा की शुरुआत किया था। 32 से इस संगठन का निर्माण हुआ था, तब देश में देश का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो पाया। उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत के लिए हम सभी लोगों ने 32 से ही PIL के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया। तो 32 से ही हमने इसकी हरी झंडी दिखा करके अयोध्या की तरफ रवाना किया और 22 राज्यों के हमारे जो पदाधिकारी थे PIL में जो जुड़े हैं, उनकी एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, उनको दिशा निर्देश दिया गया और किसान पूरी प्लानिंग के साथ जो कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे लोगों के घर घर तक जा सकते हैं और इसमें 1 लाख लोगों तक PIL को शामिल करके सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करके एक अलग बेंच स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। 11 तारीख से लगातार हम लोग PIL की यात्रा के लिए निकल रहे हैं और इस PIL की यात्रा के लिए हम लोग निकलने के दौरान देश के तमाम विभिन्न हिस्सों पर गुजरेंगे। ऐसी ही गाड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों पर जाएंगी, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हुआ, छत्तीसगढ़ का मामला हुआ, राजस्थान का मामला हुआ या बिहार का मामला हुआ, देश के प्रत्येक हिस्से में इसी तरह से कुछ गाड़ियां सस्ते और प्रत्येक गांव के बीच में जाएंगी, क्षेत्र के बीच में जाएंगी और हमारे पदाधिकारी वहां जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिसका भी सहारा में पैसा है, अगर 1 रुपया भी सहारा में है, तो वो अपने पैसे के भुगतान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे। समूह में जाए PIL लग रहे, उस PIL में शामिल हो, क्योंकि वो PIL में अगर शामिल नहीं होगा तो निश्चित तौर पर रद्दी का टोकरा मान लिया जाएगा। और क्योंकि साजिश रच रही है सहारा प्रबंधन तंत्र, सहारा प्रबंधन तंत्र वो साजिश रच रही है कि जैसे ही इनके तमाम कागजातों का फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेंगे, या तो उसको 15-16 साल तक बढ़ा देंगे, 10-5 तक उसको बढ़ा देंगे और जो कागज सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही सहारा वाले आपके समस्त कागजातों को मंगा लिए और किन्हीं माध्यमों से वो आपको विभिन्नित कर ले गए, वैसे ही एक निश्चित समय पे वो जाकर के जब ये अपनी पूरी प्रॉपर्टियों को पीछे से रास्ते से बेच डालेंगे, कोई इससे धनराशि शेष नहीं रह जाएगी, कोई संपत्ति शेष नहीं रह जाएगी, तो ये जाकर के तमाम सरकारी तंत्रों में हाथ उठा देंगे कि हमारे पास कोई निवेशकों का पैसा शेष नहीं बचा। हालांकि ये पहले भी कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बयान लगा चुके हैं कि मैंने सारे निवेशकों का पैसा वापस कर दिया है, जबकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, कागज के बदले में उस कागज को रिन्यूअल करके दे दिया, रद्दी का टुकड़ा आज भी पड़ा हुआ। तो जैसे उन्होंने पहले इस कागज को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था और फर्जी दस्तखत करवा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया था कि हमने देश के निवेशकों का पैसा दे दिया है, ऐसे ही ये CRCS के माध्यम से और तमाम सरकारी तंत्रों के माध्यम से वो एक समय आएगा कागज लिख करके दे देंगे, और कागज लिख करके देने के बाद
वो कहेंगे कि अब हमारे पास निवेशकों का पैसा नहीं है, ये जो बांड है ये कॉपियां दे रहे हैं ये फर्जी है। कि फर्जी है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? या तो निवेशक स्वयं होगा, और या तो निवेशकों को बांड ले आकर अधिकतर दिया किसने है? एजेंट होगा। तो एजेंट और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति हो जाएगी, जिसको रोकना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की प्रथम दायित्व है। जो काम सरकार का है कि वो वर्ग संघर्ष ना होने दे, आपस में लड़ाई ना होने पाए, वो काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रही है कि कोई कार्यकर्ता कोई जमाकर्ता किसकी गलती किसकी गलती नहीं, सारी गलती सहारा प्रबंधन तंत्र की है और खामियाजा कार्यकर्ता को भुगतना पड़े और जमाकर्ता को भुगतना पड़े। यह रोकने के लिए ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़कों पर निकली थी, और इसी तरह का कुछ रथ यात्रा पूरे देश में हम सब लोग ले जा रहे हैं। ये बाड़िया बस्ती से निकल करके अयोध्या फैजाबाद सिद्धार्थनगर जनपद पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में भी जा रही है और देश में। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देख लिया होगा, इसमें अभय देव शुक्ल जी सहारा भुगतान संकल्प न्याय यात्रा को अपने उत्तर प्रदेश स्टेट से बस्ती जिले से इन्होंने स्टार्ट किया है। अभय देव शुक्ल जी उत्तर प्रदेश प्रांत के बस्ती जिले से स्टार्ट किया है सहारा भुगतान संकल्प न्याय यात्रा। इस सहारा भुगतान संकल्प न्याय यात्रा का मेन उद्देश्य है, मकसद है, जो पर्पज है कि हर एक जमाकर्ता के पास जाना और उसको जागरूक करना। जब तक जमाकर्ता यानी कि निवेशकर्ता जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम लोग अपने भुगतान को नहीं ले पाएंगे। सरकार से हम लोगों को अब जबरन पैसा लेना होगा, क्योंकि अपना ही पैसा फंसा हुआ है। इतने दिन से हम लोगों को झंझट झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब हम लोग जो है भुगतान को लेकर रहेंगे। इनका जो वादा है कि 100% भुगतान मिलना तय है, तो अब हम लोग अपना भुगतान जरूर लेंगे, और वो भी भुगतान जो है कार्यालय के माध्यम से ही मिलेगा। यानी सहारा के ऑफिस जो हैं जल्द ही खुलेंगे, ब्रांच खुलेंगे, ऑफलाइन माध्यम से काउंटर के माध्यम से भुगतान होगा। ठीक उसी प्रकार से भुगतान होगा जिस प्रकार पहले चलता था, भुगतान लेन देन चलता था उसी प्रकार से चलने लगे। किसी को भी कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। गरीब जमाकर्ता कम पढ़ा लिखा होता है, गांव से बिलोंग करता है, उसको अधिक जानकारी भी नहीं हो पाती है, तो इसमें उसको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जागरूक होइएगा, और आप लोग किस प्रकार से भुगतान लेना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, यानी कि सहारा ऑफिस से या पोर्टल के माध्यम से। तो यहीं पर हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को विराम करना चाहेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।